अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे के ऊपर मनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के अलामत और जो आज हो इलाज द ABCD ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, इसका फैलाव कैसे। हेपेटाइटिस से खाने या पानी में HEV वायरस की इसके अलामत क्या है। बुखार, थकावट, कमजोरी, मतली के आना, गहरा पेशाब और पीला बहाना, जल्द का पीला बहाना। इसका इलाज क्या है। रमजानी सेहत का ख्याल रखना, पानी का इस्तेमाल और अलामत को मद्देनजर रखते हुए अद्वियात का इस्तेमाल करना। इसकी तशखीस कैसे करेंगे, ब्लड टेस्ट के लिए। हेपेटाइटिस इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, इसका फैलाव कैसे होता है। किसी मुतासर शख्स से खून मनी या जिसमानी जरूरत, किसी ऐसे शख्स की जिसमें मुताबिक रोकथाम, वैक्सीन पर वक्त लगाएँ, अपना उस्तरा ब्रश नेल कटर वगैरह किसी के साथ शेयर न करें। इसका इलाज करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें। अगर ये मसला काफ़ी देर पा हो जाए तो उसके लिए अद्वियात भी मिल जाए। तशखीस इसकी क्या है, कैसे इसको तशखीस करनी है, इसका ब्लड टेस्ट। हेपेटाइटिस सी का फैलाव कैसे। हेपेटाइटिस सी वायरस से अलग खून किसी मुतासर शख्स से रबते के लिए आपके खून में दाखिल हो जाए। अलामत इसके क्या है, पथरी होती है, गुर्दे की खराबी, शदीद ख़ारिश, खून के यादाश और तकास के साथ। इलाज क्या है इसका, मुतद एंटीवायरल अद्वियात। तशीस इसका ब्लड टेस्ट। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस डी, इसका फैलाव कैसे होता है। फाजिलिया अलहदा खून ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी के मरीज के शुमार अफराद को ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलामत क्या हैं, पेट में दर्द, थकावट, आँखों और जल कर पीलापन, खून की। इसका इलाज क्या है, ताल कोई भी इलाज तशदीशुदा नहीं, बाज अद्वियात का इस्तेमाल जरूरी है। इसका तशखीस ब्लड टेस्ट। हेपेटाइटिस ई इंसानी फजलत से आलूदा पानी से और आलूदा खुराक का इस्तेमाल करने से वायरस फैलता है। इसकी अलामत क्या है, बुखार, कमजोरी, मतली के आना, गहरा पेशाब और पीला पखाना, जल्द का पीला। इलाज इसका क्या है, इंसानी सेहत का ख्याल, पानी का कसरत से इस्तेमाल और मुकम्मल आराम। तशखीस इसकी कैसे होती है, ब्लड टेस्ट।